नमस्कार, मैं अलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। जब से यूपीपी री एग्ज़ाम का 23, 24 और 25 के दोनों पालियों का पेपर समाप्त हुआ है, बच्चे लगातार इस बात के बारे में पूछ रहे हैं कि सर हमारा इतना स्कोर बन रहा है, क्या मैं सेफ समझूं, क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूं या सर मैं किसी दूसरे परीक्षा की तैयारी करूं। और ये प्रश्न आपका पूछा जाना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक भी है। तो इस सेशन में हम लोग बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस के साथ लगभग 8 से 10 हज़ार बच्चों के आंकड़ों के अनुसार, और सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो आपके दिमाग में प्रश्न हैं उनके प्रश्नों के और उन प्रश्नों के जवाब सर्च करने के आधार पर एक बहुत बेहतरीन आप सभी के लिए सेफ स्कोर एनालिसिस, कट ऑफ एनालिसिस, नॉर्मलाइजेशन में किसका फायदा होगा, ये सारी चीजें हम लोग यहां पे समझेंगे। क्योंकि अभी तक जो आप लोग कहीं ना कहीं कट ऑफ एनालिसिस देख रहे हो, कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन देख रहे हो, वो केवल और केवल एक, मैंने देखा कि बहुत सारे टीचर हैं वो केवल अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जो बच्चा पेपर देने गया था यहां पर इतनी भारी संख्या में भीड़ थी, और पेपर जब बच्चे के सामने आता है तो वो केवल एक सब्जेक्ट, केवल मैथ, रीजनिंग और हिंदी और जीएस की वो सेक्शन नहीं करता, उसे सारे सेक्शन करने होते हैं। यहां पर जब हम अध्यापक के नजरिए से देखते हैं तो हम केवल अपना विषय देखते हैं, और हम अपने विषय में ये जांचते हैं कि ये आसान है या कठिन है। लेकिन अगर आप इसे बच्चों के नजरिए से देखोगे, उनके जो मेंटल स्टेटस वहां पे था, जो उनकी मनोदशा थी, उसके आधार पे देखोगे तो इसका रिजल्ट बहुत ही अलग आ रहा है। और इसीलिए मैंने थंबनेल पे लिखा है कि बहुत कम जाएगी कट ऑफ और इसके तमाम कारण है और नॉर्मलाइजेशन का क्या फायदा होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे जो भी बच्चे 30-31 तारीख वाले हैं उनको तो बहुत फायदा मिलने वाला है कंटेंट के रूप में, और यहां से आपको परीक्षा प्लस में सारी चीजें बहुत सटीक आपको मिलती हैं, ये बात आपको पता है। ये आपका बिट चुका है कि अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग विषयों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की संख्या है, और यहां से हम थोड़ा बहुत एनालिसिस निकालते हैं कि आखिर हमारा कट ऑफ किस तरफ जा रहा है। अगर आप पेपर में देखोगे तो जीएस जीके का पेपर मोस्ट अनएक्सपेक्टेड था, सबसे ज्यादा ये बात किया जा रहा था। चलो ठीक है कि पुलिस जीके, मिसलिनियस जीके पे हम लोग बहुत फोकस किए थे और स्टैटिक जीके, पुलिस जीके, मिसलिनियस जीके से क्वेश्चन पूछा, हकीकत में पूछा, लेकिन यूपी गायब हो गया, करंट अफेयर्स पुराना पूछ रहा है, करंट अफेयर्स नया नहीं पूछ रहा है, जो बच्चा नहीं पढ़ के गया उसकी संख्या भी कम हो गई, बच्चा खूब ज्यादा यूपी पढ़ा उसका नहीं आया, बच्चा इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ा और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जब भर भर के आए। तो ऐसे अगर देखा जाए तो इस प्रकार से जीएस का समीकरण बिगड़ा है। और अगर एक ऑन एवरेज बच्चे को देखा जाए तो हर बच्चा पेपर में कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन जीएस का गलत करके आ रहा है या फिर छोड़ के आ रहा है, और 8 से 10 प्रश्न मतलब 20 नंबर होते हैं। आप ऐसे समझो कि वो बच्चा का जो अटेम्प्ट आ रहा है वो 27-28 अटेम्प्ट गिर रहा है, जिसकी वजह से जो सही वही होने के बाद 25 से ज्यादा जीएस में बच्चे का स्कोर नहीं बन रहा है। ये हम टीचर होते हैं बोलते हैं नहीं नहीं हमने ये भी पढ़ाया है, हमने ये भी पढ़ाया, यहां से पूछ लिया। देखो नाच गाना हर चीज अपनी जगह पे है ना, उसके लिए मैं कोई चीज बात नहीं करूंगा, लेकिन सटीकता यह है कि आप अगर जीएस को पूरे पैरेलल में लेके देखोगे तो यकीनन जीएस सबसे ज्यादा, जीएस और मैथ ये दोनों सेक्शन इस बार यूपीपी के एग्जाम में जो पूछे गए हैं सबसे ज्यादा रैंडम सेक्शन पूछे गए हैं, क्योंकि मैथ में भी जो अनुमान था उस अनुमान से कहीं ज्यादा हटके पेपर आया है और जीएस में भी जो अनुमान था उस अनुमान से हटके पेपर आया है। यह बात अच्छी है कि कहीं ना कहीं आपका जो मिसलिनियस जीके था जिस पर हम लोग बहुत फोकस किए, जैसे आपका डिमोटाइजेशन हो गया, जैसे आपका जीएसटी हो गया, इनसे प्रश्न पूछा है, और वो सारे प्रश्न है जो आप छोटे छोटे 5-5 मिनट की वीडियो में देख के गए थे वहां से पूछा गया। तो जीएस में एवरेज स्कोर बच्चों का गिरा है। ऐसे अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में एक सबसे बड़ा जो मेजर चेंज आया है वो क्या है, वो मानसिक अभिरुचि का ना होना। नो डाउट मानसिक अभिरुचि का सारे अगर संस्थान की बात किया जाए, सारे बच्चों की बात किया जाए, तो मानसिक अभिरुचि का एक अलग अलग हवा बना के रखे थे कि लग रहा था पता नहीं क्या है मानसिक अभिरुचि, और मैक्सिमम जो अपने बच्चा अपनी तैयारी का समय भी दिया है वो मानसिक अभिरुचि में दिया है। लेकिन मानसिक अभिरुचि का एक भी प्रश्न ना आना, तुरंत ही बच्चों के दिमाग पे ये प्रेशर डाला कि भाई मानसिक अभिरुचि तो पूछा ही नहीं गया, अब क्या होगा, ये एक बहुत ड्रास्टिक चेंज था बच्चों के अगर मनोदशा की बात किया जाए, जिसकी वजह से कट ऑफ या बोल सकते हो कि स्कोर नीचे आएगा। ये बात अलग है कि जो 24 तारीख के 25 तारीख के जो लास्ट के 3 शिफ्ट है उन पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके दिमाग में बैठ गया था कि मानसिक अभिरुचि नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन 23 तारीख का पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट और इवन 24 तारीख के पहले शिफ्ट का बच्चा सोच रहा था कि 23 में नहीं पूछा गया, 24 में पक्का पूछा जाएगा, और जब 24 में भी नहीं देखा गया तो वहां से मानसिक जो सोच थी वो बदलने
क्या होगा, वहां से जो सोच थी वो बदल गई बच्चों की और वहां पे टेम्परामेंट थोड़ा कूल हुआ। लेकिन अगर रीजनिंग की बात किया जाए तो रीजनिंग में अगर देखा जाए सारे सेक्शन मिला के ऑन एवरेज पहले 55 क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि बिल्कुल नहीं है और साथ में इस बार मैथ्स वाले सेक्शन जो मैथ्स सेक्शन में जो रीजनिंग था उसमें मैथ्स का वेटेज ज्यादा बढ़ा है। तो ओवरऑल दोनों मैथ्स और रीजनिंग दोनों वाले की रीजनिंग को ले लिया जाए तो 48 से 85 प्रश्न रीजनिंग को देखने को मिले हैं। रीजनिंग के प्रश्न कम होने का मतलब जानते हैं आप, जब रीजनिंग का प्रश्न 55 से 60 के बीच में होता था तब बच्चे का स्कोर बढ़ता था, अगर रीजनिंग का प्रश्न कम हुआ इसका मतलब बच्चे का स्कोर नीचे आएगा, बच्चे का स्कोर ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि जीएस तो वैसे भी नहीं स्कोर कर पा रहा, मैथ्स वैसे भी नहीं स्कोर कर पा रहा, उसके पास बचा और हिंदी और रीजनिंग, रीजनिंग में भी क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका स्कोर कम आएगा। तो जी रीजनिंग का चेंज ये था। आप यहां पे देखो मैथ्स के सारे शिफ्ट के एनालिसिस का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप इसे देख सकते हो, जो आगामी अन्य शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनको मदद मिलेगी किस सेक्शन से ज्यादा पूछा जा रहा है। मैथ्स में देखा जाए तो कुछ ऐसे प्रश्न जैसे क्रॉस सेक्शन वाले प्रश्न था, जैसे एक एलजेब्रा का प्रश्न पूछा गया, जैसे अगर अरिथमेटिक के थोड़े लेंदी क्वेश्चन पूछे गए, एक दो डीआई काफी कठिन, काफी बोल सकते हो कि लेंदी स्तर की आई थी, अगर इन प्रश्नों को रखा जाए, हालांकि केवल कठिन ही नहीं आसान भी थे, एलसीएम एससीएफ के प्रश्न आसान थे, एक दो परसेंटेज के प्रश्न आसान थे, एक दो रेशियो के प्रश्न आसान थे, लेकिन अरिथमेटिक के अधिकतम प्रश्नों की संख्या की जाए, एक एक प्रश्न में दो दो प्रश्न बना के पूछा गया था, लंबे लंबे पूछा गया था, इंस्टॉलमेंट के प्रश्न थे जो बच्चा जल्दी नहीं पढ़ता है, तो ऐसे प्रश्न मैथ के लेवल को तो थोड़ा मॉडरेट बनाए ही बनाए, साथ में मैथ्स की संख्या भी बढ़ाए। और ऐसे भी क्वेश्चन इसमें आया जैसे मैंने बोला क्रॉस सेक्शन, कोनिक सेक्शन, 3D वाले जो क्वेश्चन थे, ऐसे ही अगर कुछ और ऐसे की जो खोज महत्वपूर्ण खोज वाले प्रश्न थे मैथ्स के, ये सारे प्रश्न मैथ्स के स्तर को थोड़ा सा क्या किए, थोड़ा सा कठिन बनाए, मॉडरेट बनाए, जिसकी वजह से मैथ्स में बच्चे का स्कोर क्या हुआ, काफी कम हुआ। पहले मैथ्स में जब क्या होता था, पहले नंबर सिस्टम ज्यादा पूछता था, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, जैसे डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन ज्यादा होते थे, इस बार नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कम हुए, तो इस कारण से भी बच्चा क्या है, पिछली बार परसेंटेज रेशो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे, इस बार बच्चा का समय जा रहा है, तो आप ये भी तो कैलकुलेट करो कि 150 जो आपका प्रश्न है 120 मिनट में डुएबल नहीं था, बच्चों ने बहुत ज्यादा प्रश्न छोड़े हैं और साथ में अगर देखा जाए तो जो नहीं छोड़े हैं वो तुक्का लगाए हैं। और आप में से कितने सारे बच्चे मेरी बात से सहमत हो कमेंट करके बताना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब रही बात बच्चों आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको मुझे बताना है कि आखिर आपके स्कोर कितने बन रहे हैं, कमेंट करके मुझे स्कोर बताएंगे और सारे बच्चे अपना अपना स्कोर बताएंगे, अपनी कैटेगरी, अपना नाम, अपनी कैटेगरी और अपना स्कोर, अपना शिफ्ट और अपना डेट, ये पांच इंफॉर्मेशन कमेंट में आप दीजिए ताकि एक कमेंट के माध्यम से भी बाकी बच्चे भी समझ पाए कि हाँ जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल सही बोल रहा हूं, मैं कोई अलग से किसी दूसरे ग्रह की बात नहीं कर रहा हूं, आपके जो दिमाग में चल रहा है, आपकी जो हकीकत है, जो वाकई में दशा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं स्टूडियो में बैठा, एसी में बैठा, केवल अपने टीचरों की बात सुनकर नहीं बोल रहा हूं, मैं बच्चों के टर्म पे बोल रहा हूं, सबसे बड़ा बात है डेटा, उस डेटा के अनुसार। हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी में लगभग हर टॉपिक से पूछा जा रहा है, साहित्य से, रचनाओं से प्रश्न ज्यादा पूछा जा रहा है, तो यह भी हिंदी के स्कोर क्या करते हैं, हिंदी के स्कोर को कम करते हैं। और कुछ प्रश्न ऐसे भी थे जो हिंदी में कंफ्यूजिंग थे, सारे नहीं, ऐसे देखा जाए तो 70% पेपर तो इजी टू मॉडरेट ही था, लेकिन 20-25% क्वेश्चन देखा जाए तो ऐसा था जहां पे सोचने पे विमर्श करता है बच्चों को कि ये क्वेश्चन शायद नहीं हो पाएगा या ये क्वेश्चन हमसे गलत हो जाएगा, और वही हिंदी में हुआ था। तो ये रही एनालिसिस। अब आते हैं, मैंने बोला कि कट ऑफ कम जाने के कारण क्या है और समझते हैं, और इस कारण से मेरे ख्याल से आप में से हर बच्चा सहमत होगा, अगर आप किसी बिंदु पर सहमत नहीं है तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है और बिल्कुल सही तरीके से आप उसे दे सकते हैं। मेरा जो मानना है, हमारी टीम का मानना है, तमाम रिसर्च के बाद मानना है और आपके द्वारा तमाम दिए हुए डेटा, जो आपने हमारा गूगल फॉर्म भरा, आपने अन्य संस्थाओं का गूगल फॉर्म भरा, हर जगह से, कई जगह संस्थाओं पे आपने पोलिंग किया, कई जगह आपने किसी के वीडियो पे कमेंट किया, तो एक डेटा ऐसा नहीं कि आपने डेटा एक जगह दिया, ये जो डेटा मैं आपके सामने लेके आया हूं जिसके आधार पे कर रहा हूं, ये तमाम उन बड़े चैनलों में, उन बड़ी वीडियोस में जहां पे आपके व्यूज ज्यादा रहे, आपके कमेंट ज्यादा रहे, उन कमेंट से आपके कमेंट को एक्सट्रैक्ट करके, वहां से निकाल के, उनको इस डाटा में सम्मिलित करके, हमारे गूगल फॉर्म को सम्मिलित करके, किसी अन्य के चैनल के, टेलीग्राम के पोल के डेटा को सम्मिलित करके, ऐसे तमाम डेटा और जो बच्चों से हमने डायरेक्ट मौखिक रूप से बात किया है, कॉल पे बात किया है, उन सभी डेटा को इंक्लूड करके ये सारे निष्कर्ष निकाले गए हैं। निष्कर्ष क्या है,
कि प्रत्येक सेक्शन में कुछ नए प्रकार के प्रश्न थे, जिसमें से मैथ्स की बात किया जाए सबसे ज्यादा नए प्रकार के थे। जीएस में भी कुछ प्रश्न 6 से 7 हर सेक्शन में ऐसे प्रश्न मिल रहे थे जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रश्न लग रहे थे, जो कहीं ना कहीं डुएबल नहीं थे। मैथ्स में भी 3 से 4 प्रश्न ऐसे थे जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रहे थे, जो लग रहा था हम सुने नहीं है, जैसे क्रॉस सेक्शन हो गया, जैसे खोज वाला हो गया, जैसे अन्य भी प्रकार के प्रश्न थे। और कुछ प्रश्न ऐसे थे जो वाकई में डुएबल नहीं थे या उस निर्धारित समय में गलत हुए हैं, उनके डेसिमल वैल्यू के कैलकुलेशन की वजह से भी हमारे क्वेश्चन गलत हुए हैं। ऐसे पेपर का सेक्शन वाइज ना होना, जो हम लोगों ने रणनीति बनाई थी, हमने रणनीति बनाई थी कि भाई हमें हिंदी में 20 मिनट देना है, हमें हिंदी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें जीएस में 15 मिनट देना है, हमें मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन में 35 से 40 मिनट देना है, रीजनिंग मानसिक अप्रोच वाले सेक्शन में 35 मिनट देना है, हमारा सारा क्या हो गया, सारी रणनीति फेल हो गई। क्यों? क्योंकि पेपर आपका सफल्ड था, पेपर आपका सेक्शन वाइज नहीं था। तो कहीं मैथ्स का क्वेश्चन हिंदी के बीच में मिल रहा है, कहीं रीजनिंग का क्वेश्चन जीएस के बीच में मिल रहा है, कहीं जीएस का क्वेश्चन मैथ्स के बीच में मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपका क्या हुआ, कहीं एक स्पीड बन ही नहीं पाई, स्पीड बीच बीच में ब्रेक हुई, जिसका अंजाम कॉपी ओवर फिल करने में और अंततः आपके कंप्लीट जो आपका टोटल अटेम्प्ट था उस पर असर पड़ा है। कोई भी बच्चा एक्यूरेटली ये नहीं कह सकता कि हमने 150 में 150 एक्यूरेट करके आए हैं। इवन यहां तक मुझे आज तक ये बच्चा नहीं मिला कि कुछ ने बोला होगा सर हमने 135 से सही एक्यूरेट करके आए हैं, 150 में से नहीं करके आया है कोई बच्चा, क्योंकि हो ही नहीं सकता। जमीनी स्तर पर, हकीकत स्तर पर बात किया जाए, आपके आंकड़ों पर बात किया जाए, तो जो आपके सामने है यही है। उसके बाद अधिक संख्या में बच्चों का पेपर छोड़ना, आप लोगों को मैंने डेटा दिखाया भी था कि इस बार देखा जाए तो 33 से 35% बच्चा क्या है, पेपर छोड़ा है। अगर टोटल 60,244 वैकेंसी थी, जिसके सापेक्ष में 48 लाख के आसपास फॉर्म पड़े थे, इसमें से अगर देखा जाए प्रत्येक शिफ्ट में 4-4.5 लाख बच्चे थे, और उसमें से करीबन कितना बच्चा, केवल 70% बच्चा या 65% बच्चा क्या कर रहा है, पेपर दे रहा है। तो कितना दे रहा है, एक एक शिफ्ट में मैक्सिमम बोल सकते हो कि 2,80,000 बच्चा दे रहा है, या फिर मतलब 2.5 लाख से 2,80,000 बच्चा दे रहा है। और इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा अगर बच्चे पेपर देंगे तो 25 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में ही पेपर बच्चे देंगे। और जब बच्चे पेपर नहीं देते हैं तो जाहिर सी बात है एक बड़ा कॉम्पिटिशन क्या होता है, कम होता है, और जिसकी वजह से आपके स्कोर पर फर्क पड़ता है। दूसरी बात, करंट अफेयर्स यहां पर इस पॉइंट पर, पेपर का स्तर मॉडरेट रहना। कोई कितना भी कहे नहीं पेपर आसान था, आसान था, आसान था। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे वो कोई छात्र हो, चाहे वो कोई संस्था हो, अगर आप कह रहे हो कि पेपर आसान था तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आप कृपया अपनी यूपीएससी वाली मेंटेलिटी को साइड करिए। ये पेपर किसका था, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का था। तो जाहिर सी बात है पेपर देने कौन जाएगा, यूपीएससी का कैंडिडेट नहीं जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का कैंडिडेट जाएगा। वो बच्चा जाएगा जो 18 से 22 साल के बीच का बच्चा है, 23 साल का बच्चा है, और उसका कितनी समझ है, कितनी ज्यादा उसकी तैयारी है, इतना तो नहीं है। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि पेपर आसान है, आप उस बच्चे के स्तर के हिसाब से बताओ ना भाई। आप ये क्यों बता रहे हो कि पेपर, भाई ऐसे तो कोई भी पेपर हो, मैं हमेशा बोलता हूं कि 100% अगर किसी प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन आते हैं तो 60-65 क्वेश्चन तो आसान ही होते हैं, उसके बाद 20-30 क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं, 10 क्वेश्चन कठिन होते हैं। लेकिन यहां पे मॉडरेट और कठिन क्वेश्चनों के स्तर बढ़ा है। कठिन क्वेश्चन वो नहीं होता जिसे लगने में 5 घंटे लग जाए, 10 घंटे लग जाए, कठिन क्वेश्चन वो भी होता है जो बच्चा, एक एवरेज बच्चा उस एग्जाम दौरान में उस 120 मिनट में बैठ के उस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, और कोई प्रश्न अधिकांश बच्चा नहीं सॉल्व कर पा रहा है, इसका मतलब वो प्रश्न कठिन है। आप उस प्रश्न को 10 सेकंड में लगा लो, आप 5 सेकंड में लगा लो, आप अध्यापक हो, आपकी बात अलग है, लेकिन वहां पे छात्र की मेंटेलिटी देखो, एक एवरेज छात्र की मेंटेलिटी देखो। तो पेपर कोई बोले कि आसान था तो मैं इस बात को बिल्कुल खारिज करूंगा, पेपर आसान नहीं था। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बच्चों के आधार को मान के किया जाए तो पेपर मॉडरेट लेवल का था, जिनमें से कुछ कठिन स्तर के प्रश्न देखने को मिले हैं और जिसकी वजह से पेपर का कट ऑफ क्या आएगा, नीचे आएगा। यही नहीं, करंट अफेयर्स बिल्कुल कम हो गई, बच्चा अंतिम समय में करंट अफेयर्स ज्यादा से ज्यादा पढ़ता है, क्योंकि यह पता था एग्जाम में भी ज्यादा समय नहीं दिया गया, अचानक से डेट घोषित हुई, अचानक से पेपर हो गया, तो अंतिम समय में बच्चा जीएस में यूपी करंट इन्हीं को पढ़ता है। और करंट आपने पूछा भी तो आप 2021-22 के आंकड़े को पूछ रहे हो, जो स्टैटिक माना जाएगा, ना कि करंट माना जाएगा। और इस कारण से करंट क्या हुआ, बच्चों का स्कोर 4-5 क्वेश्चन जीएस में जो वो स्कोर कर सकते थे अगर रिसेंट की करंट होती, वहां वो नहीं पूछा गया, जिनका स्कोर कम हुआ। और सबसे बड़ी बात जो है वो है पेपर में धांधली के चांस कम है। हर बार क्या होता है, जब जब पेपर में धांधली होता है तो जाहिर सी बात है जो बच्चा धांधली करेगा वो स्कोर को बढ़ा देगा, लेकिन यहां पे धांधली के चांसेस कम हुए हैं। और इस कारण से अगर बच्चा फेयर होगा, बच्चा जेन्युइन होगा, तो वही बच्चा होगा जो यहां पे वीडियो में कमेंट करता है, वही बच्चा होगा जो क्लास लेता है, वही बच्चा होगा जो गूगल फॉर्म का आंकड़ा भरता है। वो बच्चे फेक नहीं होते, वो बच्चे जेन्युइन ओरिजिनल कैंडिडेट होते हैं, और उनका ही आंकड़ा भर्ती बोर्ड के पास जाएगा और
स्कोर क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि आपने रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा में देखा 90% कट ऑफ लगा। यह बात सबको पता है कि 90% कोई किसी परीक्षा में किसी भी स्तर की परीक्षा हो नहीं ला सकता है, तो इसका मतलब वहां पे धांधली हुई। लेकिन यहां पे धांधली के चांसेस कम दिख रहे हैं। पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा शासन, पूरा प्रशासन परीक्षा को सुचतापूर्वक कराने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे अधिक संख्या वाली वैकेंसी है, 60,244 पद, कम पद नहीं होते। जहां पे 1,000, 2,000, 10,000 पद होते हैं वहां पे कट ऑफ 70-75% के आसपास लगता है। जब 60,244 है तो जेन्युइन कैंडिडेट का किसी कीमत पे 65-70% से ज्यादा कट ऑफ जा ही नहीं सकता है। और अगर आप 300 नंबर का लो तो 300 नंबर में अगर 65% देखोगे तो लगभग 190 के आसपास नंबर आएगा, और अगर आप 70 लोगे तो 210 के आसपास आएगा। यानी कि जो बच्चा है, जो कट ऑफ मतलब कि हाईएस्ट स्थिति देखा जा सकता है, 190 से 210 के बीच कट ऑफ की स्थिति जाके बनती है। लेकिन वो रॉ स्कोर की बात होती है, नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं होती। नॉर्मलाइजेशन पे भी बात करेंगे। अब किसी कारण से हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, हो सकता है कि मेरी सारी बातें झूठी हो जाएं, हो सकता है मेरी एनालिसिस पूरी की पूरी बेकार हो जाए। एक ही दशा में हो सकता है, कब ये कट ऑफ ज्यादा एक ही दशा में जा सकता है। एक कंडीशन यह है कि अधिक समय मिलने की वजह से बच्चों की तैयारी ज्यादा अच्छा होना। लेकिन अगर ज्यादा अच्छी तैयारी होगी तो जाहिर सी बात है उस बच्चे का स्कोर हमें फोन कॉल से, हमें मैसेज से, हमें कमेंट से, हमें गूगल डेटा फॉर्म से कहीं ना कहीं कोई ना कोई आंकड़ा मिलेगा जहां पे इन बच्चों की संख्या दिखेगी, जो बच्चा 250, 260, 270 स्कोर कर रहा है। लेकिन अगर नहीं मिल रही है, इसका मतलब कि इसका बहुत ज्यादा फायदा कोई ये पॉइंट मैटर नहीं करता। दूसरा पॉइंट है कि विगत वर्षों के आधार पर देखा जाए, विगत वर्षों के आधार पर लगभग सारे पेपर जो हैं उनके क्या हैं, उनके कट ऑफ लगभग हाई जा ही रहे हैं। तो अभी क्यों हाई जा रहे हैं, उनका केस तो धांधली भी है, उनका केस बहुत सारे केसेस पे डिपेंड करता है हाई कट ऑफ जाना। तो फिर वही बोल रहा हूं कि भाई अनएक्सपेक्टेड तरीके से कट ऑफ हो जाए, धांधली हो जाए, कुछ हो जाए, तब मैं आपसे हाथ जोड़ के आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि भाई मेरी बात गलत हो गई। लेकिन सारे पॉइंट आपके कट ऑफ कम जाने के पूरे फेवर में है। अब आते हैं हम लोग बात, जो हमारे पास आंकड़े आए हैं लगभग 8 से 10 हजार आंकड़े आए हैं, और इन आंकड़ों को देखा जाए तो मेरे पास जो आंकड़े हैं इनमें ओबीसी कैंडिडेट सबसे ज्यादा हैं, उसके बाद अनरिजर्व कैंडिडेट ने सबसे कम आंकड़ा दिया है। अनरिजर्व कैंडिडेट सबसे कम आंकड़ा देता है, उसके पीछे भी कारण क्या होता है कि वो जब बॉर्डर लाइन पे होता है तो डिमोरलाइज होता है कि अब इतने पे मेरा सिलेक्शन तो नहीं होना है, क्या करूंगा मैं डेटा देके। ओबीसी का बच्चा हुआ, ओबीसी की सीट भी ज्यादा थी, बच्चे भी ज्यादा थे, तो वहां पे आंकड़ा भी ज्यादा आएगा। ईडब्ल्यूएस का भी आंकड़ा ठीक ठाक दिख रहा है, और अगर देखा जाए तो एससी के भी आंकड़े यहां पे ठीक ठाक दिख रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे ज्यादा चांसेस ये ढूंढते हैं कि मैं तो कैटेगरी में हूं, हो सकता है मुझे फायदा मिल जाए। अनरिजर्व का बच्चा सोचता है कि मेरी तो कैटेगरी ही नहीं है, मेरा तो कोई फायदा नहीं है, तो मैं डेटा ही देके क्या करूंगा, जिसकी वजह से ये डेटा बताता है। इसमें अगर देखा जाए तो जो मेल कैंडिडेट होते हैं वो डेटा देने में ज्यादा बिलीव करते हैं, फीमेल कैंडिडेट कम देती हैं, और डेटा आप देख रहे हो 81% मेल, 18% फीमेल का है। और अगर आप देखोगे तो शिफ्ट वाइज इसमें सेकंड शिफ्ट का आंकड़ा 48.6% है और फर्स्ट शिफ्ट का आंकड़ा 51.4% है। तो शिफ्ट वाइज भी आंकड़ा हमारे पास ये आया है, ये 8 से 10 हजार बच्चों में आया है। अब रही बात कीजिए जो आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूं, ये आंकड़े सब कुछ इसका काम कौन बिगाड़ेंगे, सब कुछ काम बिगाड़ेंगे वो है नॉर्मलाइजेशन। तो ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आपकी परीक्षा में लग रहा है, और अब हम लोग इस नॉर्मलाइजेशन पे सारी बात करेंगे कि आखिर क्या आपका सेफ स्कोर आ रहा है, तो आप कहां पे अपने आप को सेफ मान सकते हो और कहां पे आप अपने आप को कठिनाई में मान सकते हो, नॉर्मलाइजेशन का क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन का जो फर्क पड़ रहा है भाई मेरे, कि जिस शिफ्ट का औसत सबसे कम होगा, कोई भी शिफ्ट ऐसी होगी जहां पे औसत सबसे कम होगा, उस शिफ्ट के बच्चे को फायदा सबसे ज्यादा मिलेगा। ये बहुत ही सत्य बात है, इस बात को आप लोग दिमाग में रखेंगे कि जिस शिफ्ट का क्या होगा, जिस शिफ्ट का एवरेज सबसे कम होगा उस शिफ्ट के बच्चों को फायदा सबसे ज्यादा मिलेगा। जिस शिफ्ट का औसत सबसे कम होगा उस शिफ्ट के टॉप स्कोरर को फायदा सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा किसी कठिन शिफ्ट के टॉप स्कोरर को फायदा सबसे ज्यादा होगा। जिस शिफ्ट का औसत सबसे ज्यादा होगा उसको सबसे कम फायदा होगा। अगर औसत ज्यादा बढ़ा इसका मतलब वो शिफ्ट आसान हो जाएगी, और अगर शिफ्ट आसान हो गई इसका मतलब कि अब क्या हो जाएगा, बच्चों को फायदा कम मिलेगा या नुकसान भी हो सकता है। फायदा नुकसान किस केस में होगा, आसान शिफ्ट के कम स्कोरर का नंबर कम भी हो सकता है, ध्यान देना। अगर किसी कोई बच्चा आसान शिफ्ट का है, आसान शिफ्ट मतलब कि जहां पे एवरेज स्कोर कम गया है, ठीक, एवरेज स्कोर ज्यादा गया है, तो आसान शिफ्ट का कोई बच्चा जो कम स्कोरर बच्चा है, जिसका मार्क्स कम है, उसका मार्क्स निगेटिव
नेगेटिव भी हो सकता है, उसका मार्क्स माइनस में भी आ सकता है, मतलब माइनस मतलब कि जो नंबर पा रहा है उससे कम भी हो सकता है। और एवरेज शिफ्ट के एवरेज छात्र पे कोई खास फायदा या नुकसान नहीं होगा। ये सारे पॉइंट मैं किस पे बता रहा हूं, ये सारे पॉइंट बता रहा हूं ये आपके नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मुला पे। हालांकि नॉर्मलाइजेशन की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बस आप इतना समझो कि ये जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मुला आप देख रहे हो, यहां पे जो ये पहला टर्म देख रहे हो, ये आप देख रहे हो कि जो जितने भी आपके शिफ्ट हुए हैं, 10 शिफ्ट टोटल हुए, 10 शिफ्ट में जो 0.1% टॉप स्कोरर होंगे, 0.1% कैसे, देखो एक शिफ्ट में लगभग 4.5 लाख बच्चा बैठ रहा है ना, 4.5 लाख बच्चा बैठ रहा है। अगर एक शिफ्ट का 0.1% निकाला जाएगा, 0.1% की बात करें, इतने बच्चों का तो क्या आया है, इतने बच्चों का तो एडमिट कार्ड आया है। एक शिफ्ट में बैठ कितना बच्चा रहा है, एक शिफ्ट में 60-70% ही बैठ रहा है। और अगर 60% देखा जाए तो 70% अगर देखा जाए तो 28 कितना बैठ रहा है, 2,80,000 बच्चा बैठ रहा है। और अगर आप 2,80,000 मैक्सिमम कंडीशन ले लो, इसको आप क्या कर दो, 0.1% से कर दो, तो एक शिफ्ट के कितने बच्चे लिए जा रहे हैं, 2,80,000 की बात किया जाए तो एक शिफ्ट से 280 बच्चों का लिया जाएगा। और ऐसे अगर कितने हो रहे हैं, ऐसे अगर 10 शिफ्ट हो रहे हैं, इसका मतलब 2800 बच्चा कितना हो रहा है, 2800 बच्चा एक क्या हो रहा है, टोटल 2800 बच्चे को इसमें लिया जाएगा। ये 2800 बच्चों का आंकड़ा है। ऐसे ही जिस शिफ्ट में आप बच्चे बैठ रहे हैं उनका आंकड़ा है, मतलब वो 0.1%। अब समझना कि जितने स्कोरर हैं वो ऊपर के टॉप 2800 बच्चे ले लिया जाए, कितने में से, कुल 35 लाख बच्चे लगभग पेपर अगर देंगे तो उनमें से 2800 बच्चा कोई बहुत ज्यादा बच्चा नहीं होता है। और अगर ऊपर से 2800 ले जाए तो यकीनन इनके स्कोर काफी ज्यादा होंगे, किसी के 250 होगा, किसी का 260 होगा, किसी का 270 होगा। और इस हिसाब से उनका एवरेज निकाला जाए तो उनका एवरेज कम से कम 300 में से 260 से 70 के बीच में आएगा, क्योंकि वो टॉप 0.1% वाले हैं, वो टॉपर हैं, टॉपर का नंबर तो उनका एवरेज भी ज्यादा जाएगा। ऐसे आपके शिफ्ट का जो टॉपर 0.1% टॉपर होंगे उनका होगा, उसमें से कोई दो वैल्यू माइनस हो रही है। कौन सी वैल्यू माइनस हो रही है, एक आपकी ये वैल्यू माइनस हो रही है एमजीक्यू वाली। तो एमजीक्यू जो है ये क्या है, आपके शिफ्ट का, ये पूरे सारे शिफ्ट का जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनका एवरेज प्लस डेविएशन, और माइनस यहां पे हो रहा है आपके शिफ्ट का एवरेज और डेविएशन। तो इसकी वैल्यू जो है अमूमन एक आएगी, ध्यान देना। अब इस पूरे की वैल्यू अगर एक आती है तो इस चीज को हटा दो। अब यानी कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ेगा, इस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं नॉर्मलाइजेशन की वीडियो में आपको समझा दूंगा, आपका फर्क पड़ता है इस पे, और इसमें जुड़ेगा आपका ये क्या होगा, ये वो शिफ्ट होगा जो पूरे शिफ्ट का, मतलब इसने क्या बोला है, ये जो वैल्यू होगी जीएम, ये मैक्सिमम वाली वैल्यू, मतलब कि ये सम, ये मीन मार्क और किसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैंडिडेट कंसीडरिंग ऑल शिफ्ट कैलकुलेशन एंड मार्क विल बी डन अप टू 0.5%। मतलब सारे शिफ्ट में, ये सारे जितने भी शिफ्ट हैं, सारे शिफ्ट का एवरेज है, ये सारे शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स है उसका मीन वैल्यू और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या जुड़ेगा, ये वैल्यू जुड़ेगा। एमआईजे एमआईक्यू क्या है, एमआईजे आप जितना नंबर पा रहे हो, और एमआईक्यू क्या है, एमआईक्यू क्या है, एक एवरेज है। एमआईक्यू क्या है, एमआईक्यू एक एवरेज वैल्यू है आपके शिफ्ट का। अब आप अपने शिफ्ट के एवरेज वैल्यू से अगर ज्यादा नंबर पा रहे हो तो ये वैल्यू होगी पॉजिटिव, अगर ये ज्यादा ये कम तो ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव वैल्यू किसी चीज में जुड़ेगी तो इसका मतलब आपका स्कोर क्या होगा, आपको फायदा होगा, आपको क्या होगा, फायदा होगा। और आप सपोज करो कि आपका ये आपके शिफ्ट का एवरेज स्कोर है और आप इस एवरेज से भी कम पा रहे हो तो ये कम हो जाएगा, ये ज्यादा आपकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, यानी इसमें कोई चीज माइनस होगी तो आपका कम क्या हो जाएगा, अंक माइनस हो जाएगा। ये वैल्यू तो सभी बच्चों के लिए क्या है, कांस्टेंट है। ये वैल्यू जो आएगी ये सारे बच्चों के लिए, क्योंकि जितने 10 शिफ्ट होंगे उन सबका जो एवरेज है वो ये वैल्यू है, यानी कि डिपेंड करता है कि आप अपने शिफ्ट के एवरेज से ज्यादा पा रहे हो या एवरेज से कम पा रहे हो, इस पे बताएगा कि आपको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो अब आते हैं हम लोग, देखते हैं कि जो एवरेज स्कोर है प्रत्येक शिफ्ट का अभी तक 8 से 10 हजार आंकड़ों के बीच में, यहां पे देखा जाए तो यहां पे देखेंगे कि स्कोर आपका एवरेज क्या आ रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये करीबन 8 से 10 हजार बच्चों का केवल आंकड़ा है, जबकि जो रियल आंकड़ा होगा वो करीबन 35 लाख बच्चों का होगा, ध्यान देना। इसके सापेक्ष में ये फिगर बहुत छोटा है। दूसरी बात, एक चीज ध्यान देना, जो डेटा देता है वो डेटा वही बच्चा दे रहा है जिसको लगता है हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या हम सिलेक्शन के करीब हैं या नहीं है, या तो उससे बिल्कुल कॉन्फिडेंट बच्चा देगा और या तो उसके करीब बच्चा देगा। जिस बच्चे का स्कोर बहुत कम है वो बच्चा यहां पे वैल्यू नहीं दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो हमारा
बड़ा एवरेज आया है, ये काफी ज्यादा आया है। अगर 35 लाख के बच्चों में जाएंगे तो हो सकता है कोई बच्चा 10 नंबर भी पा रहा हो, कोई 20 नंबर भी पा रहा हो, कोई 50 नंबर, कोई 100 नंबर, कोई 150 भी पा रहा होगा। और अगर वो बच्चों का भी डेटा जुड़ेगा तो ये औसत शायद खिसक के 180 पहुंच जाए, तो कोई ताज्जुब नहीं है, कम से कम 20-20, 30-30 नंबर का औसत में फर्क आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिलेक्शन लेने वाला बच्चा ही होता है, तो जो आपका यहां पर औसत आ रहा है उसके नियर अबाउट ही आपका क्या होगा, कट ऑफ जाने के चांसेस होंगे। लेकिन ये जो आपका आ रहा है ये रॉ मार्क्स के आधार पे आ रहा है, ये आपका जो स्कोर बन रहा है, तो आप समझना अगर आप अपनी अपनी शिफ्ट में देख लो, ये जो पहली शिफ्ट है वो बच्चा कितना है, 209 के आसपास है, 209 के आसपास इनका एवरेज स्कोर गया है। अगर आंकड़े ज्यादा मिलेंगे तो ये औसत और कम जाएगा, ये औसत और कम जाएगा, ये ध्यान देना। तो ये औसत जो यहां पे आपको 209 दिख रहा है, मैं एज्यूम करूं कि यह औसत, ये आंकड़े मेरे पास अगर 10 गुना और होते तो यह औसत कम से कम 180-185 के आसपास जाता। ऐसे ही यहां पर लगभग सब में आप 30-30, 25-25 नंबर माइनस कर लो, ऐसे यहां पे अगर हम लोग करते तो ये भी आपका 181 के आसपास आता, 181-186 के आसपास अगर यहां पे करते तो ये वैल्यू भी हमारी क्या आती, ये वैल्यू भी हमारी लगभग 183 के आसपास आती, 183 से 85 ले लो, ज्यादा ना लो, है ना। ऐसे अगर ये वैल्यू अगर हम लेते तो ये वैल्यू भी हमारी क्या आती, 185 के आसपास आती, इस वैल्यू को लेते तो ये भी हमारा 185 के आसपास आता, और ये वैल्यू भी लगभग हमारा 186 के आसपास आता। तो मतलब अगर हम लोग और आंकड़े आएंगे तो एक रियल डेटा हमारा निकल के 185-86 आएगा। अब आप कट ऑफ की बात में नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि यहां पे जो बच्चा यहां पे लाई कर रहा है इसका मतलब कि वो बहुत जेन्युइन स्टेज में है। क्योंकि आप कई बार मैं बोलता हूं कि आप चीजों पे ऐसे विश्वास मत करो, आप पिछले आंकड़े पे भी देखो, जब 41,520 वैकेंसी थी तो जनरल का कट ऑफ 225 मैक्सिमम नंबर गया था, वो पेपर अर्थ पेपर को मिलाया जाए तो यकीनन बहुत आसान पेपर था, और वैकेंसी भी कितनी थी, लगभग 20,000 वैकेंसी कम थी, 20,000 वैकेंसी बहुत ज्यादा होता है। वहीं पर जब वैकेंसी की संख्या अगली बार बढ़ी तो यह कट ऑफ 185 के आसपास जनरल का गिरा, समझ रहे हैं बात को। और इसी कारण से मैं आपको बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं वही एक बार समीकरण दोबारा बन रहा है, इस बार वैकेंसी ज्यादा है, अगर बच्चे ज्यादा हैं तो वैकेंसी भी ज्यादा है, और पेपर का स्तर भी कठिन है, कोई धांधली भी नहीं हो रही है, तो इस कारण से आपका जो यहां पे जा रहा है ये एवरेज स्कोर आ रहा है। तो आप में से कितने बच्चे इसके करीब है, अब आपका काम क्या करना है, एक बार मुझे सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आपका जो स्कोर आ रहा है वो कितना आ रहा है। अगर आपका इससे कम आ रहा होगा, सपोज करिए कोई बच्चा 23 के पहले शिफ्ट में, किसी बच्चे का 205 आ रहा होगा, इसका मतलब कि क्या है, इसका मतलब कि उसका जो एवरेज से है उसके शिफ्ट के एवरेज से कम आ रहा है, तो उसका क्या होगा, उसका नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा नहीं बढ़ेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि कम हो जाए। लेकिन ज्यादा चांस का होता है कि कम होने का चांस कम रहता है। कम होने का चांस तभी होगा कि अगर आप किसी बहुत आसान शिफ्ट में बहुत कम स्कोर किए हो तो जितना आपका मार्क्स आ रहा है उससे भी कम हो जाएगा, ये चांस है, ठीक है। लेकिन आप अगर इसके आसपास हो, जैसे किसी इसका 209 गया है, कोई बच्चा इसमें करीबन 185 स्कोर करे, तो 150 स्कोर करेगा, लगभग 60-70 का अंतर आ जाएगा, या मैं 180-185 का रेफरेंस लेते के चलते हो, कोई बच्चा 130 स्कोर कर रहा है, और अगर 130 स्कोर कर रहा है तो वहां पर उसके स्कोर और कम होने के चांस है, उसका स्कोर बढ़ेगा नहीं, यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप में से सारे लोग मुझे बताएंगे कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, और अगर आप इस वाले डेटा को नहीं, अगर आप इसे और एक्सट्रापोलेट करो तो रियल डेटा आपका कहां जाएगा, रियल डेटा आपका लगभग 180 से 185 के आसपास आ रहा है आपका एवरेज स्कोर। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में सारे स्कोर बढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये एवरेज पे कभी भी क्या होता है, आपका कट ऑफ नहीं लगता, एवरेज से थोड़ा ऊपर पे कट ऑफ लगता है। तो मैं कट ऑफ की बात अभी नहीं करूंगा जब तक सारे शिफ्ट नहीं हो जाएंगे, जब तक सारे आंकड़े नहीं आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा यहां पर लाई कर रहा है, रेंज में लाई कर रहा है, इससे 10-12 नंबर आगे पीछे भी चल रहा है, तो वो काफी सेफ जोन में है, वो अपनी फिजिकल की तैयारी करे, उसे परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाकी आपकी डिटेल एनालिसिस एक कट ऑफ के लिए आपको जरूरी है कि ये वाला गूगल फॉर्म भर दीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, अपने कमेंट मुझे बताइए, और आपको एनालिसिस कितना हद तक सही लगी यह भी मुझे बताइएगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।